Hi guys, this is Vaseem and you are watching English Education WLJ. Guys, in today's class we will go how to write letters. Especially we will go how to write formal letters. So guys, for formal letter, today we will write a letter to the bank manager for collecting a checkbook. इस तरह के बहुत सारे आते हैं कि चेकबुक हमारे खत्म हो गया है, नया चेकबुक लेना है, तो हम लोग बैंक जाते हैं तो कहा जाता है कि एक एप्लीकेशन लिख कर दे दीजिए तब आपको चेकबुक रिसीव किया जाएगा। तो इस तरह के लेटर को कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे हमने हेडिंग 2 से शुरू किया है, टू द मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया औरंगाबाद। कुछ इस तरह के लेटर्स में हम लोग फ्रॉम भी लिखते हैं, फ्रॉम में राइटर्स का नाम होता है, उसका एड्रेस होता है और उसके बाद भी टू होता है। अब कुछ में डायरेक्ट टू से भी शुरू करते हैं, जैसे आपको सहूलत हो, जो आपको आसान लगे आप उस तरह से काम कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है टू द मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया औरंगाबाद। सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है लेटर का, फॉर कलेक्टिंग चेकबुक, यही मेन अंडरलाइन होने वाला है ना। आपका थीम है, आप जब एप्लीकेशन लिखेंगे तो उसी को आपने अंडरलाइन किया जाएगा कि चेकबुक। डेट 14 फरवरी है ना, ये 14 तारीख 2021 को लिख रहे हैं। आज वैलेंटाइन डे है तो आई विश यू हैप्पी वैलेंटाइन डे टू ऑल। उसके बाद हमारा सैल्यूटेशन है सर, और उसके बाद विथ, यहाँ से मेन जो हुआ सैल्यूटेशन इंपॉर्टेंट है, मैनेजर जेंट्स है, मेल है, इसीलिए सर लिखा। विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू से दैट, ये अंडरलाइन किया है, यानी कि ये बॉडी के पहले भाग में होगा कि विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू से, बहुत रिस्पेक्ट के साथ मैं कहना चाहूंगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड हमर सबमिशन आई वुड लाइक टू से, या आई वुड लाइक टू से आई वुड लाइक टू बीसीज, या मोस्ट फॉर्मली रिस्पेक्टफुली, या आई बेग टू से, इस तरह का हेडिंग चलता है। फिर यहाँ से मेन बॉडी का पार्ट हो गया, आई एम अ सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर इन दिस ब्रांच, मैं इस ब्रांच में एक सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर हूँ। आई एम हैविंग टू फेस इनकन्वीनियंस मैंने असुविधा, मुझे असुविधा का सामना करना पड़ रहा है टू ऑपरेट माई अकाउंट, अपने अकाउंट को ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए। फॉर ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन मैंने लेन देन, यानी कि जो कैश जो विड्रावल होता है, जो लेन देन होता है, उसमें हमको दिक्कत हो रहा है ड्यू टू लैक ऑफ चेकबुक। चेकबुक के चलते यहाँ हम लोग दूसरे सिटी में जाते हैं, वहां पैसा विड्रॉ करना है, अगर मल्टी सिटी चेकबुक नहीं होता है तो प्रॉब्लम होता है। आगे बोला सो यू आर रिक्वेस्टेड, अब ये भी नहीं इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन किया हुआ, मतलब कि हर तरह के लेटर में, फॉर्मल लेटर में होगा। अतः आपसे अनुरोध किया जाता है, इसको ये पैसिव फॉर्म है, इसको एक्टिव फॉर्म में भी लिख सकते हैं, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू, इस तरह से भी लिख सकते हैं। टू के बाद जो मेन थीम होगा उस थीम को फिर रिपीट करेंगे, जैसे यहाँ पे थीम हमारा चेकबुक है तो टू इशू मी ए चेकबुक एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमको चेकबुक जारी करें। फिर ये अंडरलाइन किया हुआ है, फॉर दिस आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। ये हर तरह का फॉर्मल लेटर के लाइन में आप लिख सकते हैं, या इसके जगह पे आप ये लिख सकते हैं फॉर योर काइंड एक्ट आई विल बी ग्रेटफुल टू यू, इस तरह से भी कर सकते हैं। आपका एंडिंग जो होता है योर सिंसियरली, योर ट्रूली, योर फेथफुली, योर वेडेंटी, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह का लेटर जो हम कुछ डिमांड के लिए कर रहे हैं, सिंसियरली नाम हो गया, अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर हो गया। गाइस ये था फॉर कलेक्टिंग अ चेकबुक, चेकबुक कलेक्ट करने के लिए। मैं डिसाइड हो जाता हूँ, आप इसका सेल्फी भी ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लिख करके आप इसको एक कलेक्शन के तौर पर रखेंगे। अगर इसको चेंज करना चाहते हैं तो यानी कि ये था फॉर कलेक्टिंग अ चेकबुक, लेकिन इसके जगह पे हमको करना है फॉर चेंजिंग माई मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे फॉर चेंजिंग माई मोबाइल नंबर कर देंगे। सेम चीज रहेगा, सिर्फ यहाँ पे खाली करना है कि सो यू आर रिक्वेस्टेड टू चेंज माई मोबाइल नंबर और अर्लियर माई मोबाइल नंबर वाज दिस, बट दिस मोबाइल नंबर इज नाउ आउट ऑफ ऑर्डर, सो माई लेटेस्ट मोबाइल नंबर इज दिस, सो यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज चेंज दिस मोबाइल नंबर और एक्टिवेट एसएमएस अलर्ट ऑन दिस मोबाइल नंबर, यानी कि जो मोबाइल नंबर रहेगा उस पर हम एसएमएस अलर्ट करवा देंगे, या फिर यहाँ पर जो है फाइनली आपका नाम, अकाउंट नंबर और जो न्यू मोबाइल नंबर है वहां पर डाल देंगे, इसका मतलब कि वो न्यू नंबर जो आपका एक्टिवेट हो जाएगा। गाइस I hope you understood it. If you understood it, please like and subscribe my YouTube channel, English Education WLJ. That's it in today's class. Thank you and have a nice day.